अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको एक और नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको फेशियल किट के बारे में बताऊँगा कि फेशियल की प्रोडक्ट्स, फेशियल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे तैयार की जा सकती हैं। दो अलग अलग वीडियो के टाइप्स हों, ये सॉरी पार्ट्स होंगे, तो इन तमाम वीडियोस का पार्ट का लिंक जो है आपको वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मिल सके। तो आप लोगों ने करना क्या है कि फ़र्स्ट आपने फेशियल बेस बना लेनी है, और उसके बाद जो है उसकी अलग अलग कैटेगरी उसको चेंज करते जाना है। ये केमिकल्स हैं, ये देखें, पानी मेल्ट हो गया, गर्म हो गया था, उसके बाद जो थे केमिकल्स मेल्ट हो रहे थे। अच्छा, सबसे पहले आपने 25 kg जो है पानी गर्म कर लेना है। पानी गर्म करने के बाद जो है आपने स्टीरिक एसिड 3 kg डालना है, C2 आपने 1 kg डालना है, GMS आधा किलो डालना है, और STY 1 किलो डालना है, लेनोलिन जो है 100 ग्राम डालना है, क्रोडा आपने 200 ग्राम डालना है। इसके बाद जो है आपने इन सब की जो है अच्छे से ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग इतनी अच्छे से करनी है जैसे लस्सी की करते हैं। लस्सी की कैसे करते हैं कि जितना अच्छा आप मक्खन निकालना चाहते हो लस्सी में से, तो उतना ही आप उसको रगड़ते हो। तो जितना इसको आप ग्राइंड करोगे, आपके फेशियल का जो टेक्सचर है वो उतना ही मुलायम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 1 लीटर जो है आपने KD डाल देना है। 1 लीटर KD केडी आप ये फेशियल के अंदर झाग को बेहतर करने के लिए, इसको लगातार चलाने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद 1 किलो कंडीशनर डालना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है SLS 1 पाउडर डालना है, और साथ ही MP और PP डाल देने हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको इनके ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पहले अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इसकी प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर ये बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और कुछ चीज़ें स्लो और कुछ चीज़ें फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है आपने ये देखें फेशियल की, अभी फर्स्ट आपने बेस बनानी है। बेस बनाने के बाद ही आपको इसकी अलग अलग कैटेगरी में इसको चेंज करना है। बेस बनाने के बाद आपको ये सारा जो है आगे किस तरह बनाना है वो आपको अलग वीडियोज़ में मैं बार बार बता रहा हूँ, अलग अलग वीडियोज़ में, इस वीडियो में नहीं मिल रहा। इस वीडियो में आपको एक चीज़ का ही मालूम पता चलेगा कि ये क्या चीज़। अब आपने इसके अंदर 250 ग्राम जो है टीए डाल देना है। बाकी ये देखें, मैं डंडे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डंडे का इस्तेमाल क्यों करते हो, ड्रम क्यों करते हो। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो स्टार्टअप से आ रहे हैं। स्टार्टअप मीन जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास सिर्फ 3,000 है, 5,000 रुपये है, वो इस तरह से अपना बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको रोज़ी रोटी का इंतज़ाम इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो सकता है। यह देखने मैं खुद इस तरह से कर रहा हूँ जी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम पहले करते आए हैं, 50 डिग्री तक जैसे ही टेम्परेचर रह जाए, तो 5 लीटर आपने किसी छोटे बर्तन के अंदर ये निकाल लेना है, और बेस निकाल लेनी है, और उसके बाद आपने इसके अंदर 10 ग्राम कस्टराइल डाल देना है। कस्टराइल डालने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर आप लोग YouTube ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो हमें Facebook पे जाके फॉलो कर लें। वहाँ 3DFM कॉस्मेटिक, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको ये शो हो रहा है 3DFM कॉस्मेटिक्स एंड सर्विसेज, तो आप वहाँ पे जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और बहुत सारी ऑफ़र्स भी देते रहते हैं, तो वहाँ से आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। और अगर आपको हमसे किसी किस्म की मज़ीद अच्छी इन्फो ये चाहिए,
फार्मूलेशन चाहिए तो उसके लिए भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके बाद आपने 10 ग्राम ये गरी का तेल डालना है, कोकोनट डालना है, 10 ग्राम केडी डालना है और 10 ग्राम ये ग्लैसरीन डालनी है। तो ये सारे मिक्स थे इसलिए इनका कलर जो था डार्क था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे रابطہ करके आपका कोई भी अगर हमारी वीडियो में मसला है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह।